दोस्तों, एक ऐसा समय भी था जब श्री गणेश पर भगवान शिव बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहे थे। और दोस्तों, उन्होंने क्रोध में श्री गणेश यानी अपने ही बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया था, जिसके बाद श्री गणेश को जीवित करने के लिए हाथी का सिर लगाया गया था। भगवान गणेश का सिर क्यों काटा गया? दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भगवान शिव ने गणेश का सिर क्यों काटा, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। एक बार शिव जी की पत्नी पार्वती जी ने स्नान करने से पहले अपने शरीर पर उबटन लगाया। फिर दोस्तों, उबटन से एक प्रतिमा का निर्माण किया गया था। दोस्तों, माता ने प्रतिमा को अति सुंदर रूप दिया और फिर उस प्रतिमा में अपनी शक्तियों से प्राण डाल दिए। दोस्तों, प्रतिमा में प्राण आने के बाद वह प्रतिमा एक बालक के रूप में बदल गई थी। दोस्तों, ये बालक कोई और नहीं बल्कि गणेश जी ही थे। माता पार्वती ने गणेश जी को कहा था, तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हें केवल मेरी ही आज्ञा का पालन करना होगा। तो दोस्तों, उसके बाद से माता पार्वती जी स्नान करने के लिए चली गई। दोस्तों, स्नान गृह में जाने से पहले माता पार्वती ने बालक से कहा कि तुम्हें किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं देनी है। माता स्नान करने के लिए चली गई। तभी दोस्तों, थोड़ी देर बाद भगवान शिव पार्वती जी के भवन में प्रवेश करने ही जा रहे थे, लेकिन तभी गणेश जी ने माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शिव जी को रास्ते पर ही रुकने को कहा। कई देवताओं ने भी गणेश जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने माता पार्वती की आज्ञा का पालन किया। इसके बाद दोस्तों, भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी माता पार्वती भवन से बाहर आई। जब उन्होंने ये सब देखा तो वे विलाप करने लगी। तभी दोस्तों, माता पार्वती ने अति दुखी होकर और क्रोधित होते हुए कहा कि जिस किसी का भी सिर सबसे पहले मिले उसे लाकर गणेश के थड़ में लगा दो। तब सभी जंगल में जाकर गणेश जी के मस्तक ढूंढने लगे। फिर भगवान विष्णु को एक हाथी नजर आया था, जिसका सिर विष्णु जी ने उसके धड़ से अलग कर दिया था। और दोस्तों, वे हाथी का सिर गणेश जी के लिए ले आए और भगवान शिव ने गणेश की धड़ में हाथी का सिर लगाकर उन्हें जीवित कर दिया था। तभी से दोस्तों, श्री गणेश को गजानन कहा जाने लगा। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।